दोस्तों ट्रेन की एक ऐसी लव स्टोरी जो कि आपको भी हैरान कर देगी और शायद कभी आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसी लव स्टोरी के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर उस ट्रेन में इस लड़के और लड़की के बीच हुआ क्या था जिससे कि ये लोग कुछ ही घंटों में इतने फेमस हो गए। अक्सर लोग ट्रेन में सफर करने के दौरान लड़कियों को देखते रहते हैं और अपने सफर को और इंजॉय बनाते हैं। दोस्तों जैसे ये ट्रेन दिल्ली से निकलती है और आमतौर पर हर एक पैसेंजर अजनबी होता है, थोड़ी देर बाद ही लोग एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं, वैसे ये दोनों लड़का और लड़की भी अजनबी थे। जैसे ये ट्रेन 1.5 घंटे में अलीगढ़ पहुंचती है उतने में इन दोनों को फिल्मी अंदाज में प्यार हो जाता है। फिर इनके बीच चलती हुई ट्रेन में जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और ट्रेन में हो रहे ऐसी और घटना देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों दिल्ली से अलीगढ़ आने में उस ट्रेन को 1.5 घंटे का समय लगा और इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि अलीगढ़ आते आते चलती ट्रेन में शादी करने का फैसला बना लिए और साथ में जीने मरने का कसम भी खाने लगे। और ये पहले से भी एक दूसरे को नहीं जानते थे या दोनों इस ट्रेन में चढ़ने के वक्त एक दूसरे से अनजान थे। फिर इन दोनों के साथ ट्रेन में जो हुआ वो आपको भी हैरान कर देंगे। दोस्तों दिल्ली से पूर्वा एक्सप्रेस के 3rd AC में इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है और बीच में इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यह सब बताते इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे ये दोनों दिल्ली से इस ट्रेन में चढ़ते हैं एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि लड़का लखनऊ का रहने वाला है, लड़की उस ट्रेन में किसी शादी समारोह से आ रही होती है और शादी के कपड़े में वैसे भी लड़कियां काफी खूबसूरत लगती है। और उस ट्रेन के 3rd AC में दोनों पहुंचते हैं, दोनों की सीट एक ही जगह अगल बगल थी। फिर उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। पता नहीं उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि ट्रेन के 1.5 घंटे चलने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लेते हैं और उनके बगल में बैठी एक महिला से ये दोनों सिंदूर मांगते हैं। लड़के ने लड़की के मांग में सिंदूर भरकर फिल्मी अंदाज में चलती हुई ट्रेन में शादी कर लिया और आसपास के लोग भी इन्हें आशीर्वाद दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे की कहानी जानकर आप और भी हैरान होंगे। जैसे ये ट्रेन टुंडला रेलवे स्टेशन पहुंचती है वैसे मीडिया वालों को इसके बारे में मालूम चलता है कि इस ट्रेन में एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी काफी अलग है। जैसे मीडिया वाले इस ट्रेन में चढ़ते हैं उन दोनों से बातचीत करने के लिए यह दोनों कपल ट्रेन के सीट के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन जाते जाते एक मीडिया वाला मिल जाता है, फिर जैसे लड़की से सवाल करता है उतने में लड़की ने बोल दिया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, आप लोग परेशान मत करिए। फिर ट्रेन वहाँ से खुल गई और यह दोनों कपल अपने जिंदगी में एक अनोखा लव स्टोरी बनाए और अब अपने हनीमून की प्लानिंग करने लगे। आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसा लगा? क्या आप इतने जल्दी किसी से शादी करने का फैसला ले सकते? कॉमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।